हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन जी आप? कौन? मैं फकीर सवाले रजा खान बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा, मोहम्मद उमर फारूक, कहाँ से जनाब? जी मधुबनी से। मध्य प्रदेश जानते थे? मधुबनी बिहार। अच्छा, मधुबनी बिहार से हैं आप? किस मकतबे से चुके हैं जी? आप किस मकतबे से चुके हैं जी? क्या क्या बात है, बोलिए। आप किस मकतबे से चुके हैं? मकतबे से छोड़िए, क्या बात है बताइए। नहीं मैं यही तो, आपके पास तो कभी होगी ना, आपका मकतबा फिक्र तो मालूम चले। मकतबे फिक्र मेरा इस्लाम है और क्या है? नाम है, हम इन रफल झमेलों में नहीं पढ़ते, तो और किस मकतबे फिक्र से पढ़ते, मुझे क्या मतलब है? मतलब मकतबा झमेला क्या? मतलब झमेला क्या, हम मकतबे फिक्र से झमेले में नहीं पढ़ते, हमको तो इस्लाम से मतलब जी, हमको ना बरेली से मतलब है, देवबंदी से मतलब है। बरेली एक बस्ती है, देवबंद एक बस्ती है जी, लखनऊ एक बस्ती है, नथवा ये मदरसा है, तो क्या देखा है भाई जी? अच्छा ये बताइए, आप अशरफ अली थानवी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं जी? अशरफ अली थानवी के बारे में क्या किधर रखते हैं? अशरफ अली थानवी हो, अहमद रजा खान हो, कोई हो जी, क्या मेरे कहने से कोई क्या कहते हैं किसी को जन्नत मिल जाएगी, किसी को मेरे कहने से जहन्नम मिल जाएगी? नहीं, अगर कुछ चीजें ऐसी आए जिसमें, अगर कोई चीज ऐसी नजर आए जिसमें, मुझे इन चीजों का कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन शब्द के बारे में बोलने की क्या जरूरत पड़ गई जी? हमें खुदा के पास अपना जवाब देना है, न कि हमें बताना है कि क्या कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब या अहमद रजा खान साहब जी। दोनों अपने अपने अकीदे के, अपने अपने फिल्म के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके मानने वाले हजारों लाखों की तादाद में। बुजुर्ग तो वो आएंगे ना, तो बुजुर्ग के लायक होंगे जी, बुजुर्ग तो वही आएंगे तो बुजुर्ग के लायक होंगे जिनसे अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। सुनिए मेरे बात, सही ये आपका अपना जाती क्या कहते हैं नजरिया है, कौन बुजुर्ग है कौन नहीं बुजुर्ग है जी? नहीं, हम तो कुरान हदीस, अरे हम तो कुरान हदीस के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, जो कवानीन दिए हैं अल्लाह ने, जो कानून दिया है जिसके हिसाब से इंसान कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, उसकी जो पहचान बताई है तो उसके हिसाब से तो हम बताएंगे नहीं बताएंगे कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। तो खुदा देखिए मेरे भाई, सोचिए, मुझे खुदा ये नहीं पूछेगा कि बताओ फला मोमिन है या काफिर है, पूछेगा भाई? इसके लिए हमारे पास कुरान है, उसके पास हमारे लिए हदीस है, आपके कुरान हदीस है, सारी चीजें हैं, अल्लाह ने इल्म दिया, शऊर दिया, अकल दिया जी, अल्लाह ने कहा कि ये सवाल तुमसे किया जाएगा, ये कहा अल्लाह ने कि पूछा जाएगा कि कौन क्या कहते हैं जहन्नमी है, कौन क्या कहते हैं जन्नती है, कौन मुनाफिक है कौन मुशरिक है जी, अल्लाह पूछेगा क्या, बताइए मुझसे? नहीं, दूर तो रहने का हुक्म दिया गया दुनिया में, आखिर में तो आखिरत तो, आखिरत तो बात की बात तो है, मेरे नजदीक है नहीं अभी दुनिया में, तो मेरे नजदीक तो वो है नहीं, रहने का हुक्म है ना। मेरे भाई, मैं उनकी सुन्नत को तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के कुरान को लेकर बोल रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फला मोमिन को निकाल दो उनकी अपनी मस्जिदों से निकाल दो, तो मोमिन ज्यादा तो मुनाफिक है तो उसे निकालोगे नहीं, कहा कि उन्हें अपने मस्जिदों में दावत से हो गए। अगर उनकी मुनाफिकत जाहिर हो जाए, अगर उनकी मुनाफिकत आपको जाहिर हो जाए, तो आप उनकी मुनाफिकत को रहने में दूर नहीं होगा क्या? आपने अल्लाह के प्यारे हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बात करी, तो हम भी वही बात कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, अगर किसी की मुनाफिकत जाहिर हो जाए तो उस मुनाफिक को निकालो बाहर, तो यही बात ना। से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। मेरे मतलब ये बताइए कि आपने कॉल किसी को सुना, क्या होगा ये बताइए, क्या हमें उनको बसीरत है, किसी को पहचान रही है कि मुलाजिम है, अपने को अल्लाह ने बसीरत दी है, तो अल्लाह के भी की शान है तो को अपने है मुश्किल है जी, और तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुंतशिफ हुआ,
उसके फेल उसके कॉल उसके अमल से जाहिर नहीं होगा, उसके फेल उसकी कॉल उसके अमल से जाहिर नहीं होगा। इसकी पहचान हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई क्या? उसका फेल उसका कॉल उसका अमल जाहिर कर देगा कि उसकी जी बताइए। हेलो 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 हाँ सुनाइए, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है ना? जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप नेटवर्क में आइए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना? वो नेटवर्क में आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी बिल्कुल बोलिए। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। मेरे मोहतरम, मुझे कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा हो कि तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो? अगर कहा हो तो जी, अगर कहा हो तो वो तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो अपन ईमान नहीं लाए हैं, ये आपकी नबूवत और रिसालत का इनकार करे, आपकी बातों से इनकार करे, वो काफिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत दाई के किसी को कहा कि तुम काफिर हो? नाम ले लेके किसके लिए कहा? आप निकल जाओ मेरी मस्जिद से वरना नाम ले लेके निकालूंगा। जी वो किसके लिए मुखातिब फरमाया? 350 बाद और 100 गाले वाले 125 या 175 औरतें निकली, वो किसके लिए फरमाया? तो वो इसके मेरे वो तो मुनाफिकों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतशार अल्लाह ने किया कि ये मुनाफिक आपके बीच में रह रहे, मगर ये मुनाफिक आपके नहीं। मगर किसी को बताइए कि हमारे पास जो बैठते हैं, हमारे खुद जो दर्जी साथी होते हैं जी, उनके बारे में इनको बसीरत है कि क्या ये मुनाफिक है? तो ये बताइए तो वो मुनाफिकों का दौर खत्म हो गया क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोहतरम खत्म हो गया, वो तो अल्लाह के अंदर है ना, कौन मुनाफिक है जी, कौन मोमिन है, कौन जन्नती कौन जहन्नमी है, ये अपने को उसको फैसला नहीं करना है मेरे भाई। और अरे जनाबे मन फैसले की बात ही नहीं चल रही, लेकिन अल्लाह ने वो कानून तो दे दिया कुरान के जरिए कि इस तरीके के लोग आएंगे कुर्ब कयामत तक, और इनकी तरीके से इनकी निशानियाँ जाहिर होंगी और इनकी तरीके से इनकी पहचान होगी कि ये लोग मुनाफिक हैं। अच्छा ठीक जनाब, कुर्ब कयामत में सारी निशानियाँ बता दी गई है, तो मेरे मतलब आप हमें ये बताइए उस वक्त में हम अपने को क्या करना चाहिए, बताइए कि मुनाफिकों को ढूंढते रहना चाहिए, उनसे बचो, आपको बता तो रहे हैं। हम अशरफ अली खानवी के बारे में बता रहे हैं, हम रशीद अहमद गंगोई के बारे में बता रहे हैं, हम इस्माइल देलवी के बारे में बता रहे हैं, हम मेडवी के बारे में बता रहे हैं, हम काशी नानोत्री के बारे में बता रहे हैं, हम अली मियां नदवी के बारे में बता रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, तो आप कह रहे हो कि वो बुजुर्ग हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हम ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप सारी दुनिया को कहिए काफिर है, हमको क्या आप कहोगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बुजुर्ग है। मेरी बात सुनिए, आप सारी दुनिया को काफिर कह दीजिए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों बोलूंगा? आप सारी दुनिया को क्या कहते हैं? आप मोमिन अरे फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अरे काफिर है तो अल्लाह उसको जानेगा ना। हम तो साफ सुथरी बात आपको बताए हैं कि कोई काफिर है कोई मोमिन है तो अल्लाह हमसे पूछेगा क्या? काफिर था तो तुम उसका जवाब दो, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा हमसे तो अल्लाह नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा तो आपके पास होगा उसका जवाब। मेरे पास मुझसे अल्लाह मेरे आमाल के बारे में पूछेगा, रशीद अहमद गंगोई के बारे में नहीं पूछेगा, अहमद रजा खान के बारे में नहीं पूछेगा जी। अच्छा अच्छा ये बताओ कब्र में जो सवाल होंगे वो कौन कौन से सवाल होंगे जी? हाँ कौन कौन से सवाल होंगे?
मेरे भाई आप इतने जाहिल तो नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा। नहीं मैम मुझे बता देंगे तो आप मुझे बता दें तो मुझे और वो हो जाएगा। क्या कहते हैं इतने बुजुर्गों को कि अल्लाह वाले को सारे को आप क्या कहते हैं मुनाफिक और काफी कह रहे हैं जी, तो क्या कहते हैं आपको कभी के सवाल मालूम नहीं तो मतलब आपकी नजर में वो लोग अल्लाह वाले हैं। हम सुनिए ये आपको कहाँ से इल्म गायब आ गया कि वो अल्लाह वाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा आपने अपने बुजुर्गों को अल्लाह वालों को आप ये साबित करिए कि वो अल्लाह वाले हैं। आप ये साबित करिए, अभी आपने बोला कि वो अल्लाह वाले हैं जिनको आपने काफिर कहा, आप ये साबित करिए वो अल्लाह वाले हैं। आपसे आप साबित करिए, आप साबित करिए वो अल्लाह वाले हैं। आप साबित करिए कि वली अल्लाह नहीं, आप साबित करिए बात तो जब सुनो आप पहले साबित करिए वो वली अल्लाह। अभी आप बात सुनिए अल्लाह वाले को काफिर कर रहा है, आपको सवाल ही कबर का कैसे नहीं मालूम ये वो, क्या आप अल्लाह वाले को काफिर कह रहे हैं तो ये साबित करिए कि वो वली अल्लाह। अब बात के लिए सुनो लीजिए, मैं बता दूंगा पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। जिसके लिए अल्लाह ने फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह खौफुल्लाह वला हुम यहज़नून, फिर आप आयत को दुरुस्त करिए उसके बाद पहले नहीं ये पहले आयत को दुरुस्त करिए। आप पहले इन्हीं के लिए फरमाया, पहले इन्हीं के लिए फरमाया ये बताइए, पहले इन्हीं के लिए फरमाया है। आप जो आयत पढ़िए बताइए कुरान, पहले आप ये बताइए, ये बताइए कुरान पे आए ना कुरान आप दुरुस्त करिए पहले क्या पढ़े उसको पढ़ के हम आएंगे, हम सब पे आएंगे, हम सब पे आएंगे। आप बताइए पहले आप अभी कुरान की आयत है इसको फिर से पढ़िए। आप बताइए पहले कि आपकी नजर में ये अल्लाह वाले हैं, आप पहले ये बताइए आपकी नजर में ये अल्लाह वाले हैं। रशीद अहमद कुरान को दुरुस्त करके हम आप अरे मैं कहूँ मेरा कुरान दुरुस्त नहीं है, आप ये बताइए कि ये साबित करिए आप। मैंने तो आपसे मालूम करने के लिए यही चीज़ को मैंने मालूम करने के लिए आपसे कॉल की है कि आप अभी आपने कहा मुझे मसलों में नहीं पढ़ रहा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे इतना वो नहीं। अभी आपने ये कह दिया कि ये अल्लाह के वली हैं, आपने इन लोगों को काफिर कह दिया, तो ये आपका मसला है ना, किसी को काफिर कहें किसी को क्या कहते हैं तो मसला हमारा ये तो ईमान है, हमारा ये अकीदा है। इसमें सरकार दो आलम की शान में अपना जी तौहीन करी तो काफिर है, लेकिन सरकार को मालूम मर के जितने मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा वो काफिर है। जिसने कहा कि सरकार को इल्म गायब ऐसा है जैसे माजल्ला जानवरों पागलों को, वो काफिर है। जिसने ये कहा कि अगर अपनी नमाज में औरत का ख्याल आने से बेहतर ये है, नबी का ख्याल आने से बेहतर ये अपनी औरत का ख्याल आ जाए, किसी जानवर का ख्याल आ जाए माजल्ला नमाज हो जाएगी लेकिन नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं, वो काफिर है। आप उनको बोलिए अल्लाह कहते हो कैसे मुसलमान, अब कहने क्या चाह रहे हैं? हम आह करें बदनाम, हम आह करें वो तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करें तो चर्चा नहीं होता। अभी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था रशीद अहमद गंगोई के बारे में आप बताइए, इस्माइल नीलवी के बारे में आप बताइए, अशरफ अली थानवी के बारे में आप बताइए, रशीद कासिम नानोतवी के बारे में बताइए, खलील अहमद अम्बेडवी के बारे में बताइए, अली मियां नदवी के बारे में बताइए, आपने सिद्दीक अजम भोपाली के बारे में बताइए। आपने तो डायरेक्ट ये कह दिया कि ये अल्लाह के वली हैं, आपने उनको काफिर कह दिया। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, चंद नामों के अलावा भी आरफ के नाम याद है तो आप बता दो कितने नाम है, जितने काफिरों के नाम थे मैंने बोल दिया, बाकी काफिरों के नाम आप बता दो। वही तो कह रहे हैं आप बता, आपको सिर्फ देवन अकायद के इतनी ही उलमा का नाम मिला इसके अलावा और भी होंगे? अरे अरे तो वो तो आपको मालूम है ना कितने आपके भी और कितने निकल के आएंगे। हमें अभी अभी आपने तो खुद कबूल किया ना, अभी बोले मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, आपने खुद कबूल किया अकाबिर देवबंद। हाँ क्या तो आप मत बंदी हो ना, हमें मालूम है कि हमें क्या कहते हैं देवबंद है वो, आपको मालूम होगा मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी इलाहाबाद में मदरसा गौसिया अलग की तरीके से जानते होंगे। हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ इंतजाम नहीं करना चाहता क्योंकि हमें उतनी ही क्या करते हैं जो हमें रखा दिया जाता है और हमें उतनी चिट्ठे मालूम है जिन चिट्ठियों के निशान दिए करके हमें बता दिया जाता है कि इन जुमलों के वस्ते काफी है, इन जुमलों के वस्ते काफी है। इसके अलावा ना हमें आगे पता होता है पीछे पता होता है, आगे हम पढ़ते हैं ना तफसील पढ़ते हैं, तो उनके अलावा कौन और मैं देवत है ये भी हमको पता नहीं।
क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ा करो, इल्म तो समंदर है। माधी गोद से लेके कब्र की गोद हासिल करो, माधी गोद से लेके कब्र की गोद हासिल करो। ये नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, बस उतना ही पढ़ोगे जितना पढ़ाया जा रहा, देखते ही उतना जितना दिखाया जाता है, उससे ज्यादा दिखाया नहीं जाता। ये बताई ना कैसी, ये जो आपने बताया अभी इल्म हासिल करो यहाँ से लेके वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो कौन हदीस वाले बताइए? हदीस अगर बता दी तो क्या कहोगे बोलो? इसमें देने की कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ नहीं है ये बताओ, देवबंदियत से तौबा करोगे? अरे देवबंदियत से तौबा करें या बहरीत से? अरे देवबंदियत तुमने कबूल किया, तुम देवबंदी होगी, तुम कह रहे हो मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, अब तुम कह रहे हो हाँ देवबंदी हो। अरे किस थाली में के बैगन हो, किस क्यों एक टॉपिक पे तो रहा करो कम से कम एक टॉपिक पे तो रहा करो। मुझे लग रहा है कभी तो अपने आप को इन सब चीजों से झमेलों से तब मतलब जो तुम्हारे मुताबिक कि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, कौन क्या है क्या नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, दूर कर रहे हो और कभी खुद बोल दे रहे हो कि हाँ मैं देवबंदी हूँ। क्या कहने जनाब कभी आप अपने अल्फाज से गौर भी तो कर लीजिए, आप जो बोले सही बोले गलत बोले, हम बोले हैं या नहीं नहीं बोले? नहीं आपके तो फूल झड़ते ना, आपके तो फूल झड़ रहा है ना, बात मुझे लग रहा है गया तो आप तो ये तो साबित तो करियो पहले, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको कॉन्टेक्ट दिया गया या है ना ठेकेदारी के फोन कर करके है पता करो क्या है कैसे उनको तौबा कराओ, उनको जो है जवाब फला से तौबा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या आपको? नो तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं मिला। हम तो सोच रहे हैं मियाँ तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम अगर ईमान लिया हो तो बेहतर है, वरना तुम जहन्नम में जाओ, सड़ो मरो, कर्ज करो, गरीबी करो ना, में तुम लोग सब बर्बाद हो रहा हो, कुछ भी हो रहा, तुम्हारी सबसे अच्छी भी है मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया की इस वबा से हिफाजत फरमाए और साथ ही अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, हम तो आपके लिए भी दुआ। तुम्हारी हिफाजत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत तुम्हारे अकाबिरीन ने बर्बाद कर दी। अब आदत कर तुम्हारे अकाबिरीन क्या आपके मीठे अल्फाज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया जाता है उससे ज्यादा तुम्हें सिखाया ही नहीं जाता। सारी उम्मत के लिए अल्लाह एक एक उम्मत के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, वो काफी है तो उनको हिदायत दे दे, उनको ईमान में दाखिल कर दे, वो बीमार है तो उसको शिफा दे दे, सब के लिए दुआ करते थे। क्या बताओ, अच्छा ये बताओ ये चीज याद है, और जहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया नजर के लिए दुआ करते तो वहाँ दुआ नहीं करी, वो भूल गए, वो भूल गए, वो भूल गए, यहाँ नजर के लिए दुआ नहीं करी थी वो भूल गए, यहाँ से अल्लाह ने फरमाया था यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा, यहाँ से उम्मत में कितने पैदा होंगे वो भूल गए, अपने मतलब की याद है। हम बरेलियों को नहीं बहका पाओगे समझे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की हिम्मत, तुम लोगों के बंदर हो ना, तुम तो उम्मत की लाओगे जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगी, तुम शिद्दत वाली नहीं लाओगे, तुम शिद्दत वाली नहीं लाओगे ना, तुम बोलाओगे जो नबी वाले होंगे वो काफिरों में चाहते होंगे अब तो होंगे ना, तुम बोलाओगे रजा खान की तारीख पढ़ लिया करो, उनके वालिद का निकाह उलमाए देवबंद ने पढ़ाया था, मालूम नहीं तुमको? माज अल्लाह तुम्मा माज अल्लाह माज अल्लाह कज़्ज़ाब आज़म, तुझे इतना भी नहीं पता आला हज़रत का घराना इल्मी घराना रहा है जाहिर उनके मक्का वो तो क्या मैं तो खुला अबे मक्का तू तो जब अभी तो बोल रहा कभी उलमाए देवबंद की बोल चढ़ रहे हैं जाहिल उलमाए देवबंद की तारीफ पढ़ो तो जो अगर अपने बाप के
साबित कर दे कि आला हजरत के वालिद गिरामी का निकाह देवबंद के उलमा ने पढ़ा है। अंग्रेजों के टिकट पर खड़ा हो गया। अबे 600 रुपए थानवी को मिलते थे, वे जाहिल उन्हीं की किताब में लिखा है तेरे अब्बा की। भाई बता रहा हूँ मेरे अब्बा की किताब का नाम भी बताऊंगा, बोल तो सफा भी बताता हूँ तेरे को मैं अभी। जी सारी चीज आप बताएंगे मुझे मालूम। तो फिर क्यों जबान को इतना चला जितना जरूरी लगे, जब वो कायदे से बात कर रहा है तो कायदे से बात कर। पैदावार है कहाँ की तो बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो वो कायदे से बात कर रहा है तो कायदे से बात कर। जाती तौर पर किसी बात को करना है ना तो सही बात नहीं है, जाती तौर पर मसला नहीं उखड़ना चाहिए किसी का। तो जाती तौर पर तो आपने खुद है ना। नहीं नहीं तो मैं तो कहता हूँ तो तू यहाँ से लेकर पूरे देवबंद से लेकर सऊदीया से लेकर नज तक चैलेंज है तो साबित कर दे आला हज़रत के वालिद का निकाह और मैं देवबंद ने पढ़ाया है। बिल्कुल यही पे गुफ्तगू रख, बात खत्म कर, चल बोल सबूत दे। सबूत दे कि आला हज़रत के वालिद का निकाह उलमाए देवबंद ने पढ़ाया है। आप सबूत चाहते हो ना, सबूत बिल्कुल सबूत दे। आप तो खाना जो है क्या करते हैं, क्या क्या बना रहे हैं, एक सबूत दे, सबूत दे, सबूत दे। मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ यहाँ से लेकर नजद से लेकर सऊदीया से लेकर जहाँ जहाँ इबलीस तक चैलेंज देता हूँ उसको साबित करके आला हज़रत के वालिद का निकाह मैंने बंद ने पढ़ाया है। मकार रुक जा इनके पास सबूत साइन कर, इनके पास सबूत साइन कर और अपने पास मेरे सबूत दे। और मैं तो उसको बताता हूँ कि आला हजरत सरकार के वालिद का निकाह किसने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, कहाँ से आए थे और उनके दादा का नाम क्या था, पूरी तारीख ये गुलाम बताता है। मैं बताऊंगा सुन सबूत तू उनके पास। अरे सुन यार पहले सब तू सबूत दे। अरे सुन यार मत कर यार, यार है तू सबूत दे। हेलो अरे सुन तू सबूत दे और मेरे पास अपना अकाउंट नंबर सेव कर, मैं तुझे अपना नंबर भेजता हूँ और अपने अकाउंट नंबर में अभी के अभी अगर तूने सबूत दे दिया तो अभी के अभी तेरे अकाउंट नंबर में 5,000 रुपए सेंड करता हूँ। अब बोल सबूत दे। चल चल लानतुल्लाही अल-काज़िबीन, बोल जल्दी से। नंबर लिख 7735 27 540 में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना अकाउंट नंबर सेव कर लेकिन उससे पहले सबूत साइन कर। साइन कर। अरे मर गया मर्दूद। और ये भी लिख कि तेरी जीत पूरे देवबंदियत की जीत और तेरी हार पूरी देवबंदियत की हार। समीर भाई इनका नंबर लीजिए, मुझे कल दिन में इनसे बात जरूर कराइएगा। जी हाँ और यही बात रहेगी, मैं तुझको अभी बोलता हूँ अभी के अभी 5,000 ये देते हैं गुलाम मुशाद भाई, 3,000 इस गुलाम के खाते में भी पड़े, 3,000 रुपए मैं भी देता हूँ, मगर तो पहले सबूत पेश करते कि आला हज़रत के वालिद गिरामी का निकाह और मैं देवबंद ने पढ़ाया है। बोलो भैया देवबंदी साहब बोलो। गुलाम सरकार से हिंदुस्तान अजीम शान अदाकत चैलेंज है, यहाँ से लेकर सऊदीया से लेकर नस से लेकर इबलीस तक तेरी पूरी सुबियत को चैलेंज है, तो साबित कर दे कि आला हज़रत के वालिद का निकाह और मैं देवबंद ने पढ़ाया है तो इनाम लेकर जा यहाँ से अभी के अभी। अब फोन कट करके